Hey guys, मैं हूँ Basic Cinephile Person and welcome back to our channel. Guys, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कब last time आपने कोई feel good movie देखी थी और कब आप उस movie में simply silly conversations पर हंसे थे. Diamond biscuit, जब भी mood हो खा लो. Diamond biscuit, healthy स्वाद को पालो. मम्मी पापा जब भी लाते सारे बच्चे खुश हो जाते. Toying. कब आपने आपके bachelor के दिनों को याद किया था? कभी आपने किसी मूवी को देखकर अपनी लाइफ के बारे में सोचा था? या मैं यूं कहूं कि कब आपने किसी मूवी को देखकर सोचा था कि लाइफ के हर एक लम्हे को खुलकर जीना चाहिए, एंजॉय करके जीना चाहिए. शिट मैन, तुम क्या कर रहे हो? रूल्स मैन, जिंदगी में कभी रूल्स फॉलो की कमी नहीं. अब रूल्स चाहिए तुझे, तेरी तरफ. तो गाइस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आपको लाइफ के उन लम्हों का एहसास कराती है जिन्हें हमने हमारे बिजी शेड्यूल के कारण मिस कर दिया है. ये मूवी हमें तीन दोस्तों की जिंदगी के लम्हों के थ्रू सिखाती है कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए. अब सवाल उठता है कैसे? तो मूवी में जवाब है गाइस, बैचलर ट्रिप के थ्रू. अब सवाल ये भी है कि मूवी इतनी खास क्यों है? तो गाइस, क्योंकि ये मूवी कॉन्सेंट्रेट करती है उनके बिलीव्स पर, उनके फियर्स पर, जिन्हें वो ट्रिप के दौरान लेट गो कर देते हैं एंड एक अलग ही एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं. तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है. अगर जिंदा बच गया तो. अगर मैं बात करूं मूवी के डायरेक्शन की, तो नो डाउट ज़ोया अख्तर ने आउटस्टैंडिंग काम किया है. मूवी में हार्ट हिटिंग डायलॉग्स हैं. तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? सीज द डे माय फ्रेंड, पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना. अमेजिंग लोकेशंस है एंड फैंटास्टिक कैमरा वर्क है. एंड गाइस, ओवरऑल ब्रिलियंट वर्क बाय ज़ोया. एक्टर्स और एक्ट्रेस की एक्टिंग की मैं क्या ही बात करूं, सभी एक्टर्स ने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है. मैं किसी एक कैरेक्टर के बारे में तो सोच ही नहीं पा रहा हूं, चाहे वो अभय हो, परान हो या फिर ऋतिक हो, तीनों ने फैबुलस काम किया है. एंड गाइस, इन एक्ट्रेस की रिप्लेसमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था. इन तीनों ने अपने रोल्स को बेस्ट तरीके से निभाया है. एंड गाइस, कुछ सीन्स ऐसे हैं मूवी में जहां तीनों अपने सिली एंड चाइल्डिश एक्ट से लोगों का फन बनाते हैं एंड इस सब को लीड करते हैं अभय देओल. गाइस, ऋतिक एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने हर एक रोल में वंडर कर सकते हैं एंड इवन इन मल्टी स्टारर मूवीज, और उन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में करके भी दिखाया है. गाइस, मूवी में आपको एक अलग ही जोन में देखते हैं एज कम्पेयर टू इस अदर मूवीज. एंड खास बात ये भी है कि वो ज्यादा हाईलाइटेड ना दिखते हुए तीनों दोस्तों में इक्विवेलेंट दिखते हैं, यानी उनका कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर को ओवरशैडो करते नहीं दिखाई देता. एंड अगर मैं बात करूँ फरहान की, तो फरहान अख्तर मुझे एक सरप्राइज के तौर पर इस मूवी में देखे हैं, क्योंकि एज अ एक्टर वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं रॉक ऑन एंड कार्तिक कॉलिंग कार्तिक के बाद से. मैं पहले उन्हें एज अ सीरियस एक्टर ही समझता था एंड उन्हें सीरियस रोल्स में ही देखना पसंद करता था, लेकिन इस मूवी के बाद से मेरा नज़रिया चेंज हो गया है. एंड गाइस, अगर मैं बात करूँ कैटरीना एंड कल्कि की, तो नो डाउट उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है. ओवरऑल मूवी परफेक्ट है और ये मूवी एवरग्रीन फॉर्मेट में हमेशा रहेगी इंडियन सिनेमा में. सो दिस इज आवर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस मूवी. मूवी आपने नहीं देखी तो प्लीज देखिए एंड हमारे साथ रिव्यू शेयर कीजिए. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द बेसिक सिनेफाइल पर्सन. हे, तुम्हारा नाम क्या है? लैला. दोस्त मुझे मजनू बुलाते.